हे गाइस, हम आ गए हैं एक और रेसिपी लेकर के। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाने के लिए हमें जो लगेगा वो हमने स्पिनच ले लिया है एक जोड़ी, और चीज़ लेंगे हम, जो कि हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसके जगह आप पनीर भी स्टफ़ कर सकते हैं। हमको लगेगा सॉल्ट, ग्रीन चिल्ली ले लिया हमने, थोड़ी सी अजवाइन ली है और व्हीट फ्लोर लिया है हमने। हाफ लेमन ले लिया हमने, जो हम स्क्वीज़ करेंगे इसमें। तो चलिए अपने रेसिपी के लिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हमने ले लिया है एक पैन और उसमें हाफ कप पानी ऐड करके उसे थोड़ा बॉईल होने दिया है। जो पालक के पत्ते थे उसे हमने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है, धो दिया है, और इसे जो है हम इस बॉइलिंग वाटर में ऐड करके सिर्फ 2 to 3 मिनट के लिए हम इसे ब्लांच करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, तो 2 to 3 मिनट इनफ होगा। सो गाइस, स्पिनिच जो है वो अच्छे से ब्लेंच हो गए हैं। इसे अब हम बंद कर देंगे और इसे 2 to 5 मिनट के लिए कूल होने देंगे, और विदाउट वाटर हम इसे ग्राइंड करने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो 2 से 3 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। सो गाइज, हमने जो बॉइल्ड पालक था उसे ग्राइंडर में ले लिया है, और पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना है, तो हमें वो साइड में रख देना है। इसमें जो है हम ग्रीन चिली और जिंजर ऐड कर रहे हैं। आप चाहिए तो जिंजर ऑप्शनल भी रख सकते हैं। और हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इसका हमें पेस्ट प्रिपेयर करना है। सो गाइज, ये पेस्ट जो है वो एकदम रेडी हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, व्हीट फ्लोर ले लिया है हमने, और उसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक डालना है हमें, क्योंकि पालक के पेस्ट में हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अजवाइन ऐड करेंगे, 1 to 2 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब जो है हमने पेस्ट बनाया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अब हम लेमन स्क्वीज कर देंगे। तो हमने हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर दिया है, और अब जो है इसका हम प्रॉपर डो नीड कर देंगे। जिस पानी में स्पिनच को बॉईल किया था उस पानी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके और ऐड कर देंगे। सो गाइस, जो आटा लिया है हमने उसके हमने रोल्स बना लिए, तो चलिए इसे अभी फ्लैट करना शुरू कर देंगे। गाइज, ये एकदम बड़ा सा जो है हमारा पराठा फ्लैट करके हमने रखा है। अब जो है हम इसको सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज, इसको जो है हम सेंटर में से इसको उठा करके उल्टा कर रहे हैं, और इसे जो है हम सेंटर में से थोड़ा फोल्ड कर देंगे। अब देख रहे हैं लीफ शेप जो है वो हमारा बन गया है, और इसमें जो है अब स्पेस हो गया है ताकि हम फिलिंग कर सकें, तो हम इसमें चीज़ जो है वो फिल कर देंगे। चीज़ है वो अच्छे से फिल कर दिया है। इसे हमें प्रॉपरली ब्रेक कर देना है। ये हमने ब्लॉक चीज़ यूज़ की है फिल करने के लिए, और इसको जो है हमको अब कवर कर देना है। आप देख रहे हैं एकदम अच्छे से जो है इसकी कॉर्नर्स है वो हमने क्लोज कर दिए।
तवे पे उतार देंगे। अब हल्का सा हम एक साइड से कुक होने देंगे और उसके बाद हम इस पे ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। सो इसको हमने पलट दिया और अब इस पे ऑयल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा कुक हो जाए फिर इसे पलट देंगे। इसे जो है हमने पलट दिया है, हल्का सा तेल लगाएंगे इस लेयर पे। ये लेयर आप देख रहे हैं, चीज़ जो है वो एकदम बर्स्ट होकर के बाहर आ रहा है। तो चलिए, पराठा जो है वो हमारा एकदम रेडी हो गया है, सिक गया है, अच्छे से फूल गया है। तो इसे उतार देंगे और इसी तरह बाकी के पराठे बना देंगे। सो गाइज़, आप देख रहे हैं कि हमने पालक के पराठे जो है उसे चीज़ टक कर दिया और वो चीज़ अच्छी तरीके से एकदम मेल्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि ये लेयर इतना अच्छा लग रहा है। तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए ताकि हम आपके लिए और नई रेसिपीज़ ला सकें। इन्जॉय।